अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू कराची फूडीज। मेरा नाम है मोहम्मद अमीन और आज मेरे साथ मौजूद हैं अदनान मेमन। आप सबको रमज़ान बहुत मुबारक हो और रमज़ान में ओल्ड सिटी एरिया की वाइब हम लोग आज आपको दिखाने के लिए आए हैं। पिछले हमने एक ब्लॉग बनाया था, वो भी ओल्ड सिटी एरिया में बनाया था और ये ब्लॉग भी हमारा ओल्ड सिटी एरिया में है। यहाँ पर एक बहुत फेमस स्ट्रीट फूड स्ट्रीट जो कि सिर्फ रमज़ान के 30 दिनों में लगती है, उसके बारे में अदनान भाई थोड़ा हमें बताएं आपके क्या क्या होता है यहाँ पे, कौन लोग इसको लगाते हैं। फूड स्ट्रीट है और बहुत फेमस है यहाँ पे, तकरीबन ये सारी कहलाती है पाकिस्तान चौकी फूड स्ट्रीट कहलाती है। ये तो बताओ लगाता कौन है ये? यार ये ज्यादातर बोरी बिरादरी हमारी कम्युनिटी है और इस फूड स्ट्रीट का नाम भी मैंने सुना है बोरा फूड स्ट्रीट के नाम, बोरा फूड स्ट्रीट के नाम से ज्यादा मशहूर है सर। तो भाई आज हम लोग एक नई चीज करने वाले हैं अपने नाजरीन के लिए। अदनान भाई से मैं बोल चुका हूँ ये बात। हाँ ये भाई अदनान भाई क्या नजर आ रहा है इसमें आपको? ये 500 का नोट है भाई। अच्छा कायदेजम भी है? कायदेजम भी है भाई। ये 500 का नोट हम लेके आए हैं यहाँ पे और हम देखना चाहते हैं कि कितनी महंगाई है, हम इस 500 के नोट में क्या क्या खा सकते हैं। तो आ जाए जी, चल के दिखाते हैं आपको कि हम क्या क्या खाते हैं। आ जाए, सबसे पहले हम देखते हैं कौन सबसे आगे खड़ा हुआ है, उसके पास ही चलता है। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अरे मैं मालिक का एहसान है, आप सुना। अंकल चाट कितने की है आपकी? चाट 120 की पड़ेगी और आलू है मसाले वाले 90 रुपए से पड़ेगी। आपकी स्पेशलिटी क्या है, चाट या आलू? एक चीज बना के दें जो आपकी स्पेशलिटी है, जो आलू चले की चाट में मिक्स बना दें। आप बनाएं, चले जी। अच्छा अंकल कितने टाइम से कर रहे हैं आप ये काम? 4-5 साल से यहीं खड़े होते हैं आप? अच्छा रमजानों में स्पेशली आप यहीं होते हैं? अंकल क्या क्या डाल रही है तो बताएं हमारे नाजरीन को। आलू डाले पहले, छोले डाले, अभी ये चाट मसाला है, इसके बाद ये टमाटर करेंगे इसके अंदर। बेहतरीन हो गया। अच्छा टमाटर साफ सुथरे रखे हुए आपने, प्याज भी बहुत साफ सुथरे रखे हुए। और ये कौन सी चटनी है? ये इसकी चटनी है। अच्छा और उसके और ये ग्रीन वाली चटनी कौन सी थी, धनिया वाली? अच्छा अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। वाह भाई वाह, देखने में तो बड़ी ज़बरदस्त लग रही है अंकल ये। वो अब अंकल लाने लगे पापड़ी। ओहो ये जो क्रच की इसकी आवाज़ है ना, इससे ही जो है ना बंदे को जो है चाट खाने का दिल करता है। कितने बंदे खा लेते हैं ये वाले चाट? दो से तीन बंदे आराम से खा लेते हैं। अंकल से जो है अदनान भाई हमारे पैसे कटवा रहे हैं। अमीन भाई थोड़ा इंट्रोड्यूस ना। अरे मेरे भाई आप चखे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिर्ची नॉर्मल, सब चीज़ें नॉर्मल, खट्टा बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है, मतलब एक नॉर्मल और अच्छी चाट है। अब हमारे पास बचे हैं 380 रुपये, सॉरी 80 रुपये की नहीं थी, 120 रुपये की थी। अब इसके अलावा देखते हैं आगे क्या क्या मिल रहा है। भाई अब नमकीन हम लोगों ने खा लिया है, अब थोड़ा सा ना मीठा खाने का दिल कर रहा है अदनान भाई का, तो अब मीठा जो है यहाँ पे मालपुरा है। यार मालपुरा की रेट देख के लग रहा है मुझे अदनान भाई पैसे तो पूरे यहीं पे हो जाएंगे। नहीं, लेना क्या 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 है मालपुरा? मैंने कभी ना लिया है ना खाया है, तो ऑर्डर इसका आप दोगे भाई? भाई यहाँ पे तो मालपुरा में जो है वो टोकन मिला है 27 नंबर, तो अब देखते हैं कि हमारा नंबर कब आता है। अंकल कब आएगा हमारा नंबर, कितनी देर में? कौन सा चल रहा है? 23 चल रहा है भाई अभी। मतलब आप चेक कर सकते हैं कि मालपुरा में पूरे सिस्टम जो है वो शशके चल रहे हैं भाई, शशके फुल सीन ऑन है। हाँ हैवी सीन चल रहे हैं। अच्छा इस मालपुए के साथ एक क्रीम भी मिलती है स्पेशल, वो हम लाजमी लेंगे और वो भी आपको दिखाएंगे कि क्या होता है उस क्रीम में, उसका टेस्ट कैसा है। 27 नंबर आ गया है पाव। भाई एक पाव है और उसके साथ हमें आप मलाई, वो आपकी जो स्पेशल सॉस है वो भी दीजिएगा और गुलाब जामुन भी दीजिएगा। गुलाब जामुन 3 दे दें। दो
ये लीजिए मेरे भाई 220 रुपए। 220 रुपए हो गए भाई हमारे, बस आपके 220 रुपए। रमजान भाई अब कितने पैसे बचे अपने पास? भाई अब हमारे पास बच गए हैं 160 रुपए। 160 रुपए बचे हैं हमारे पास, 160 रुपए बचे। यार ये कौन खाएगा? ये भी खाएंगे यार। गरम गरम, हाँ जबरदस्त। आफ़रीन। बेहतरीन यार, मीठा मीठा खाना हो, गरम गरम खाना हो रात में रमजान में तो बेहतरीन चीज़ है। थोड़ा सा ऑयली है, शुगर मस्ती लगी हुई है, ओके की रिपोर्ट में मरेगा। 160 रुपये हमारे पास बचे हैं, पर यहाँ पे अदनान भाई चीज़ें तो बहुत सारी हैं, ये हो जाएंगे 160 में? यार ऐड कर लेंगे, अभी महंगाई का दौर है, कुछ मसला नहीं है यार। इस टास्क को अगर हम 1000 रुपये ले जाएँ, क्या ख्याल है? हम बने भी तो ज़्यादा है ना मेरे भाई। हाँ हम जो चीज़ देते हैं मेरे वो वापस नहीं आती हमारे पास। अभी से जैसे हम चलेंगे आज देखते हैं आपके। भाई आंटी जो है वो भरम करा के गई है, साइड में हो जाए, पर हम साइड में नहीं होने वाले आज। हाँ, होने तो क्या, हम फुल माहौल में, रमजान वाले माहौल। किसी की नहीं सुननी है, भाई रमजान करनी है। रमजान में जो फूड स्ट्रीट लगती है उसमें एक चीज यहाँ पे लाजमी होती है, वो है कलेजी। और कलेजी के यहाँ पे 3-4 स्टॉल लगे हुए, पर हम उसकी ट्राई करेंगे जिसपे सबसे ज्यादा रश हो रहा है। और रोटी 20 रुपए की। हाँ दे दे। कलेजी कितने की अंकल? 160 रुपए की तो कलेजी हो गई। चले भाई अभी भाई। और एक 500 रुपए अमीन भाई और निकाल लेंगे इतनी जेब से। 160 रुपए ये आ गए अंकल आपके पास। कलेजी रोटी, 3 रोटी 20। हाँ तीन रोटी, एक है 20 रुपए की। 3 रोटी दे देना, 3 और दे देना अंकल। अभी हम लोगों ने तीसरे स्टॉल पे ही आए और बजट हमारा इंक्रीज हो गया भाई। महंगाई तो वाकई है, 500 रुपए में आप जो है वो फैमिली के साथ तो नहीं कर सकते ये सब कुछ। अकेले बंदा तो हो जाएंगे, अकेला बंदा सब कुछ, अकेला बंदा भी ट्राई नहीं कर सकता। एक 160 रुपए की कलेजी है और बन जो है वो 20 रुपए का है, तो बन भी हमारे पास आ गया। तो अदनान भाई ट्राई करें सबसे पहले आप। चले आ जाए, आप भी साथ साथ ट्राई करें यार अमीन भाई। बिल्कुल जी, हम भी साथ साथ कर लेते हैं। कलेजी का टेस्ट अच्छा है, बहुत स्पाइसी है। अदनान मैंने फेल कर दिया, पर मैं बोल रहा हूँ टेस्ट बहुत अच्छा है यार, स्पाइसी। अदनान भाई आपके मुंह में मुझे लग रहा है मिर्ची, हरी मिर्ची आ गई है, एक बाइट और ले मेरे कहने पे। स्पाइसी है पर टेस्ट बुरा नहीं है, अच्छा है भाई, हर किसी की अपनी मर्जी है भाई। अगले बाइट में अदनान सही बताएगा टेस्ट कैसा है। माइंड मेरे नहीं बनाना, पहले टेस्ट करो कैसा है। वापस कर भाई, अदनान भाई को लग रही है बहुत मिर्ची, और पर मुझे समझ में आया भाई सबके अपने अपने टेस्ट बैठे। आपको मैं बोलूँगा आप आगे ट्राई करें जैसा लगे। सोडा अब अदनान भाई को लग गई है मिर्ची, तो अब हम चलते हैं कहीं और। भाई अदनान भाई को लग गई है बहुत ज़्यादा मिर्ची अंकल की कलेजी खा के, अंकल की नहीं मतलब अंकल जो बेच रहे हैं। हाँ, तो अंकल का जैसा रूड माहौल था, मतलब जैसा रूड रवैया था, वैसे ही अंकल का कलेजी में लगी है बहुत मिर्ची अदनान भाई को। और अदनान भाई के हाथ में पानी की बोतल भी दे सकते हैं, पर अदनान भाई बोल रहे हैं आप कुछ मुझे ठंडा और मीठा खाना है, जरूरी फटाफट वहाँ लेके चलो। तो हमें एक भाई नज़र आए यहाँ पे, दिल पसंद फालूदा और इंड आइसक्रीम, तो उस पर चलते हैं जी आ जाएं। उस पर हमारा कितना बजट लगता है? मुझे लग रहा है 1000 से भी ऊपर जाने वाली है कहानी। कैसे हैं, खैरियत से आप? क्या नाम है सर आपका? मोहसिन भाई, हमारे भाई को कुछ ऐसा खिलाएं कि इनको इनकी मिर्ची खत्म हो जाए, मतलब मुंह की मिर्ची खत्म हो जाए इनकी। ये आप देख सकते हैं क्या डाला था आपने, ये फालूदा होता है। अच्छा, और ये क्या है? ये तुख पलंगा है जी, 150 इसकी प्राइस है। और ये आ गई इसके अंदर आइसक्रीम, ये आइसक्रीम में कौन सा फ्लेवर है? कुल्फा, कुल्फा फ्लेवर है। ये आ गया पिस्ता, ये पिस्ता आ गया जी जनाब। अदनान भाई इससे मुझे लग रहा है आपकी मिर्ची देख के कम हो गई है, देख के कम हो गई है। और ये क्या चीज़ है? ये जेली है, जेली, ऑरेंज कलर की जेली। मतलब एक बाउल के अंदर डालने का कॉन्सेप्ट लेके आए हो आप, इसकी वजह क्या है? आपका बाउल में ही चलता है, मतलब हमने पहली दफा देखा बाउल में फालूदा। हो गया रेडी, हो गया ये
चैलेंज ही ज़बरदस्त। अदनान भाई पहले मैं बोलूँगा कि आप ही ट्राई करें, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मिर्चें लग गई हैं। थैंक यू सो मच के जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये हम खाएंगे अपनी मिर्ची भगाते हुए आइसक्रीम के स्टार्ट के साथ। हाँ पै गई ठंड पै गई, मतलब आपके मुंह के एक्सप्रेशन से लग नहीं रहा मुझे दोबारा। अच्छा पर इसमें अभी तक आइसक्रीम वाली वाइब आ रही है, फालूदे okay. वाली नहीं आ रही। ठंड पै गई? नहीं पै गई, ठंड पै गई। ओके हो गया सर जी। कितने पेमेंट हो गए आपकी? भाई ये भाई भाई का चेहरा दिखा यार, भाई जो है बहुत हमारे अच्छे हैं, दिल का हीरा बंदा है। पेमेंट ले नहीं रहा है पर हम पेमेंट को लाजमी देंगे, क्योंकि अच्छी बात नहीं है, पेमेंट देनी चाहिए। कोई भी व्लॉगर आए उसको पेमेंट लाजमी देनी चाहिए। सर जी ये मोहब्बत है हमारी तरफ से यार, रखे थैंक यू सो मच। जरा भाई फालूदा जो है अदनान भाई ने हमारे खा लिया है, और अदनान भाई के सीने में ठंड पै गई है, और अब जो है हमारा पेट भी भर चुका है। पर वो बच्चा है हमारे पास बहुत प्यार से आया था कि यार मेरे पिज़्ज़े का जो है स्टॉल का वो उसका भी रिव्यू दें आप लोग कि हमारा पिज़्ज़ा कैसा है। तो आ जाए जी पिज़्ज़े वाले के पास चलते हैं। आ जाए अदनान आ जाओ भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से? यार क्या नाम है आपका प्यारा सा? यार बच्चे ने बोला आपका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा होता है, हम लोग सब छोड़ के आपके पास आ गए हैं। तो एक पिज़्ज़ा कौन कौन से पिज़्ज़ा होते हैं पहले तो ये बताएं आप अपना। आपके पास भाई मेन्यू दिखाएं, वहाँ पे भी लगा हुआ है, वहाँ से दिखा दें कैमरा मैन हमें कि हम कौन सा पिज़्ज़ा ट्राई करें। अभी तो हमारे पास सिर्फ ये फजीदा है और वो चिकन टिक्का है। फजीदा बनाने पर चलें जी, फजीदा पिज़्ज़ा जो है वो बनने जा रहा है। देख सकते हैं आप कैसा लग रहा है देखने में। 200 रुपये इसकी प्राइस है, पर ये टेस्ट पे डिपेंड करता है कि इसका टेस्ट कैसा। तो अदनान भाई बिना केचप वाला आप उठाएंगे सबसे पहले? बिल्कुल और ठीक हो गया, और मैं जो है वो केचप वाला बताता हूँ। यार पिज़्ज़ा से थोड़ा अलग टेस्ट है इसका, पिज़्ज़ा से थोड़ा अलग टेस्ट है और ये एवरेज है, मतलब पिज़्ज़ा वाली वाइब नहीं आएगी, पर ये कि खाने के लिए खाने के हिसाब से अच्छा है। हाँ चलें जी, सैंडविच स्टाइल में पेन पिज़्ज़ा इसको जो हमारी आंटी ने बताया वो है ये, और इसको खाने में मज़ा आएगा आपको, पर ये पिज़्ज़ा वाली वाइब नहीं आएगी। सबसे अच्छा जो लगा ना वो स्टार्टिंग में जो हमने चाट खाई वो मालपुड़ा और मालपुआ, मालपुआ के साथ ही वो गुलाब जामुन था, और हमने वो तो हिसाब में लिया ही नहीं। क्या फालूदा? फालूदा हिसाब में ले लिया था, वो 910 रुपये बन रहा है। ठीक हो गया बस, अभी हमारे 90 रुपये बचे हैं आधार रुपये में, पर वो हम अभी खर्च नहीं कर रहे क्योंकि हमारा पेट जो है वो बहुत ज़्यादा भर गया। ओके कैमरा के बैक साइड पे जाके खर्च करेंगे, मैं नहीं अदनान भाई दोनों मिलके करेंगे, टेंशन नहीं ले आप। अच्छा जी जनाब इजाज़त दें हमारे को, हमें दें इजाज़त बहुत सारी दुआओं के साथ। रमज़ान में अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ख़ासतौर पर अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा ताकि आप बहुत सारी इबादत कर सकें, और उसके अलावा कराची फूडी को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। और आप लोगों को हमने बता दिया कि यहाँ पे क्या सबसे अच्छा था, तो यहाँ पे वो आके ट्राई कीजिए, और हमें भी बताइए कि आपको यहाँ पे सबसे अच्छा क्या लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।